हेलो फ्रेंड, मैं हूं शुभंकर और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड। आज के इस नया वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों से, आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर है या फिर आपका जो इंस्टाग्राम डीपी है, इस पे आप एक गोल सा बॉर्डर कैसे लगा सकते हो, कुछ इस तरह का या फिर कुछ इस तरह का। इसमें जब आपका प्रोफाइल पिक्चर सेट करेंगे तो वो लुक काफ़ी अट्रैक्टिव सा होता है, काफ़ी यूनिक होता है। कोई भी बंदा आपका जब प्रोफाइल विजिट करेगा, आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा यूनिक लगेगा सबसे हटके। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका जो प्रोफाइल का फॉलोअर्स है वो भी बढ़ेगा, इससे लाइक्स वाइक्स तो बढ़ता ही रहता है और आपका जो एंगेजमेंट है वो भी बढ़ेगा। और उसके साथ दोस्तों, आपके प्रोफाइल पिक्चर पे आप चाहे तो एक वेरीफाइड बैच का जो टिक होता है वो भी लगा सकते हो, जो देखने में काफ़ी शानदार होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और उसके साथ उसके बगल का जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियो होगा ऐसे ही कुछ इंस्टाग्राम के ट्रिक्स के ऊपर या फिर यूट्यूब के जो ट्रिक्स है उसके ऊपर, तो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, तो कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देख लेते हैं कि मोबाइल से कैसे हम जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके ऊपर बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दो मेथड दिखाने वाला हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। आपका जो मोबाइल है उसको, उस पर आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको profilepicturemaker.com पे जाना है। मैं ऑलरेडी ये वेबसाइट खोल के रखा हूँ, तो आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो profilepicture.com पे आप जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करने की ऑप्शन है, जो फ़ोटो आप डीपी करना चाहते हैं उसको आप अपलोड कीजिए। तो मैं यहाँ पर मेरा जो सिलेक्ट किया हुआ फ़ोटो है उसको मैं अपलोड करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने हिसाब से आपका जो बॉर्डर है उसका थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। आप अभी इसका जो कलर है ये ग्रेडियंट है, आप सॉलिड कलर भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ग्रेडियंट पसंद करता हूँ तो मैं ग्रेडियंट ही करूँगा अभी फ़िलहाल। तो आप देख सकते हैं इसका लुक पहले से अट्रैक्टिव हो गया। तो इसको आप डाउनलोड करके आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर आप अपलोड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोफाइल पिक्चर मैंने बॉर्डर लगाया था वो कैसे अट्रैक्टिव दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है कैसा। दोस्तों, तो मेरा जो नेक्स्ट मेथड है उससे आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आपके जो बॉर्डर है उसको। आप वहाँ पर दो बॉर्डर भी लगा सकते हैं एक के बजाय, और ढेर सारे ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ आप एक वेरीफाइड बैच भी लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे इसको करना है। आपको सेम तरह से आपका क्रोम खोलना है और उस पर आपको अनलिंक आज बोल के एक वेबसाइट मिल जाएगा, उसको खोलना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है बॉर्डर के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आप जो प्रोफाइल पिक्चर चूज करना चाहते हैं आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर लोड होने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो मैंने चूज किया था पहले वाला बॉर्डर वो सेट हो गया है। अभी मैं इसको चूज करना चाहता हूँ, तो देखिए आप ये भी हो गया, तो ये काफ़ी आई कैची लग रहा है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर एक वेरीफाइड जो बैज होता है उसका टिक मार्क भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको वेरीफाइड बैज का जो ऑप्शन है इसको चेक करना पड़ेगा। आप इसको चेक कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक वेरीफाइड बैज का जो लोगो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है दोस्तों। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, तो इसके बाद आप इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है दोस्त। तो आप देख सकते हैं जो आपका प्रोफाइल पिक्चर था वो डाउनलोड हो गया। अभी देख लेते हैं
अभी आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पिक्चर जो बना है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। तो आपको पता चल गया शायद कैसे आपको एक प्रोफाइल पिक्चर मतलब इस तरह का बनाना है। तो आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा प्रोफाइल पिक्चर, और मेरा जो इंस्टाग्राम है उसको भी आप फॉलो कीजिए ताकि आपको भी वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।